Morning to all my dear students. Now in this lecture again we are going to discuss the remaining problems of surface area and volume of the cylinder. Let's come to the problem number 1. In this problem it is given that a rectangular sheet of paper of size 44 cm into 18 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया. ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है बेसिकली क्या चीज़ मैंने आपको बता रखी है बच्चों. मैंने आपसे कहा है कि ऑलवेज अगर आप रेक्टेंगुलर शीट लेते थे और अगर आप उसे क्या करते थे, फोल्ड करते थे, इस तरीके से रोल डाउन करते थे, तो आपको क्या मिलता था, एक सिलेंडर मिलता था. हमने आपको इसी तरीके से सिलेंडर की डेफिनेशन ही बताई थी. तो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ बन रही है तो कह रहे हैं कि उस केस में आपको बेसिकली क्या बताना है, उस केस में आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो अगर आप देखिए यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करिए. सपोज करिए ये आपके पास क्या है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा होगा तो स्क्वायर मत समझिएगा इसे, रेक्टेंगुलर शीट थी. रेक्टेंगुलर शीट का देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन थी. यहाँ पर दो चीज़ें थी, लेंथ इंटू ब्रेथ. यहाँ पर इसका डायमेंशन गिवन था, मीन्स ये 44 और ये आपका क्या था, 18 सेंटीमीटर था. फिर क्या कहा गया, इस रेक्टेंगुलर शीट को ये पोर्शन लेंथ रहा, ये पोर्शन आपका ब्रेथ हुआ. इसके लेंथ के अलोंग मीन्स इसको इस तरीके से क्या किया गया, फोल्ड किया गया. फोल्ड करने के बाद इसको इसका क्या बना दिया गया, फोल्ड करने के बाद कहा गया कि ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में बन गया. अब कह रहे हैं कि अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में बेटा शेप में आ गया है तो उस केस में फिर ये कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है, कि उस केस में आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बताना है. अब डेफिनेटली अगर आप देखो तो आपने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर शीट को रोल डाउन किया. रोल डाउन करने के बाद आपको क्या चीज़ मिली, आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि ये जो लेंथ वाला पोर्शन था, आपको आपने लेंथ के अलोंग इसको रोल डाउन किया है. इस तरीके से अगर आपने लिया इसको ले लेके इस तरीके से रोल डाउन किया तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो लेंथ वाला पोर्शन है, ये रहा आपका लेंथ वाला पोर्शन. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सर्कमफेरेंस की तरीके से एक्ट कर रहा है. जो आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको मिला, जो सिलेंडर मिला उसके बेस का जो पोर्शन है, उसके बेस का जो सर्कमफेरेंस है, उसकी तरीके से जो वर्क कर रहा है वो क्या है, इस रेक्टेंगुलर शीट का क्या है, इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ है. तो इस केस में आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया वॉल्यूम वी आपसे पूछा गया है, ठीक है. तो अगर आप यहाँ से देखिए तो इस रेक्टेंगुलर शीट की अगर हम बात करें तो इस रेक्टेंगुलर शीट का जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होगा, इसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, मींस 2πr इज इक्वल टू 44. सो दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे आर इज इक्वल टू 44. 22 × 44 ये पोर्शन कैंसिल हो गया और फाइनली आपको R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर मिल गया. और आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, आपको फाइंड आउट करना था क्या, हाँ आपको फाइंड आउट करना था वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 7 × 7, और अगर आप यहाँ से देखिए तो ये जो 18 है ब्रेथ, वो यहाँ पर क्या कर रही है, इस सिलेंडर की एज अ हाइट वर्क कर रही है. तो ये आपका क्या बन गया, 18 मिल गया आपको. और फाइनली अगर आप इस पूरे पोर्शन को 22 × 7 × 18 को सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आपको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में वो आप हमको क्लासरूम में बताने वाले हैं, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम. अब देखिए बेसिकली क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 cm × 18 cm कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्व्ड सरफेस. क्या चीज़ कहा गया इस क्वेश्चन में, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 cm × 18 cm कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अभी हम लोगों ने जैसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, इन टू वेज, नेमली ईदर बाय रोलिंग द पेपर बाय अलोंग इट्स लेंथ और बाय रोलिंग द पेपर बाय अलोंग इट्स ब्रेथ. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर सच फॉर्म्ड. ये चीज़ हम लोगों से बेसिकली क्या कही गई, क्वेश्चन में कही गई. तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शीट लिया पेपर का, ठीक, जैसे कि इन्होंने इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, ठीक, ले ली रेक्टेंगुलर शीट. फिर इसके बाद ये हो गया इनका लेंथ वाला पोर्शन. इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इस रेक्टेंगुलर शीट का जो डायमेंशन था वो क्या था, 30 और ये था 18. कहा गया क्वेश्चन में कि इसको ट्रांसफॉर्म करके, इसके कर्व सरफेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको रोल करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस बनाएंगे, ठीक है.
इन टू वेज नेमली ईदर बाय रोलिंग द पेपर बाय अलोंग इट्स लेंथ. इसको पहले क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर शीट को इसके लेंथ के अलोंग हमको क्या करना है, एक बार रोटेट करना है. और सेकेंड वन में हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर शीट के पेपर को, ये ब्रेथ है उसकी, उसके ब्रेथ के अलोंग उसको क्या करना है, रोटेट करना है. और उन दोनों को रोटेट करने के बाद जो आपको आपको सिलेंडर मिलने वाला है, उन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है. तो पहला काम हमने फर्स्ट केस लिया कि हमने ये रेक्टेंगुलर शीट ली, ये उसकी लेंथ थी, उसका ब्रेथ था. और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको रोटेट किया. और रोटेट करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें जो सिलेंडर मिला वो रहा ये, ठीक, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, ये मिल गया हमें उस केस में सिलेंडर. अब आपको पता है कि अगर हम इसको लेंथ के अलोंग इसके रोटेट करेंगे तो ये जो सर्कमफेरेंस आएगा, ये सर्कमफेरेंस क्या होगा, इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा. और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इस 18 के इक्वल हो जाएगी. तो ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका पूरा, ये जो था ये पूरा आपका हो गया 30. तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ से कह दिया कि 2πr इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिल गया बच्चों, 30 मिल गया. ठीक है, क्या चीज़ मिल गई, 2πr इज इक्वल टू 30 मिल गई. अब जब 2πr इज इक्वल टू यहाँ से 30 मिल गया, तो हमने इसको क्या किया, 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r के प्लेस पे r रहने दीजिए, और ये आपको मिल गया 30. और इस तरीके से हम इसे सॉल्व किए तो हमें ये क्या मिल गया, 2 × 1 = 2, ये हमें 15 मिल गया. और दिस विल इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू, ये हमें शायद 105/22 मिलेगा, ठीक है, सेंटीमीटर के केस में. अब कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा. अब बेसिकली हमको क्या करना है, इस केस में हमने वॉल्यूम v1 फाइंड आउट किया, v1 फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिल गया, पाई r स्क्वायर h, मींस पाई के प्लेस पे पाई रहने दीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी हमें इसको कैंसिल आउट करना है क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है. आर स्क्वायर के प्लेस पे 105/22 का होल स्क्वायर, और एच के प्लेस पे देखिए तो यहाँ पर 18 है, ठीक. अब इसके बाद फिर क्या किया गया, दूसरे केस में फिर हमने इसी रेक्टेंगुलर शीट को ले लिया जैसे अभी हम लोगों ने लिया था. ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट मिल गया. अगेन ये आपका क्या बन गया, ध्यान से समझिएगा, ये हुआ बी और ये हो गया बी डैश, ठीक. अब क्या किया गया, ये रहा आपका 30 और ये आपका क्या हो गया, 18. इस बार हमने क्या किया, ये बी डैश हो गया. इस बार हमने क्या किया है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड को इसके लेंथ के अलोंग ना रोटेट करके इसके हमने इसको हमने इसके ब्रेथ के अलोंग क्या किया है, रोल किया. मींस इस बार शीट इस तरीके से रोटेट होगी, और इस तरीके से रोटेट होगी तो मतलब हमको क्या मिल गया, इस टाइप से क्या मिल गया, जल्दी से बताइए, हमें इस टाइप से एक क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया ऐसा, ठीक है. इस तरीके से सिलेंडर मिल गया तो फिर उस तरीके से हमको वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, ये हमें जब सिलेंडर मिल गया तो आपको डेफिनेटली पता है कि इस केस में अब क्या वर्क करेगा, अब जो आपके पास सर्कमफेरेंस होगा वो सर्कमफेरेंस 18 के इक्वल होगा, और जो लेंथ होगी वो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 30 के इक्वल हो जाएगी. तो ये हो गया इस केस में लेंथ. और सर्कमफेरेंस जो आपका वर्क करेगा इस केस में, 2πr इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 18. दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर आप देखिए तो 2 × 22/7 × r फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 18, यहाँ से हमें मिल गया. और अगर अभी हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 मिल गया. और दिस विल इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 63/22 हमें मिल गया. अब क्या करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बिकॉज हमें वॉल्यूम का रेशियो चाहिए. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मीन्स यहाँ से v2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के प्लेस पे पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर के प्लेस पे 63/22 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और एच के प्लेस पे इस बार क्या है, 30 वर्क कर रहा है, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ पूछी गई, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया v1/v2, क्या चीज़ पूछा गया, v1/v2. v1/v2 की अगर हम बात करें तो हमने v1 के प्लेस पे लिख दिया पाई 105/22 into 105/22 into 18 upon की बात करें तो upon के प्लेस पे पाई into 63/22 into 63/22 into यहाँ से हमें मिला 30. ये पोर्शन कैंसिल हुआ आपका, ध्यान से समझिएगा, फिर 22 से 22 कैंसिल हुआ, 22 से 22 कैंसिल हुआ, ध्यान से देखिएगा. अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल रही है, 7 9 = 63, 7 9 = 63, ठीक.
अब यहाँ से देखिए, 7 1 7, 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, अब क्या चीज़ मिलेगी ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ से आप देखिए तो आपको दूसरी चीज़ क्या मिलने वाली है, यहाँ से देखिए तो 15 1 15, 15 2 30। ठीक है, 2 1 2, 2 9 18। ठीक, अब यहाँ से क्या देखिए, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 3 3 9। तो फाइनली अगर आप देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, V1/V2 जो आपको मिलेगा वो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 5/3। तो इसका मतलब क्या मिल गया, दोनों जो आपको सिलेंडर मिले उनका रेशियो आपको क्या मिल गया, 5:3। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बेसिकली कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। कह रहे हैं द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि लेट एल बी एच बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ये चीज़ कही गई, हमने सपोज कर लिया। तो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द, डेप्थ को हाइट कंसीडर कर लीजिए, डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 19। मीन्स क्वेश्चन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट मीन्स डेप्थ इज इक्वल्स टू 19 है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ डायगनल इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ डायगनल कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायगनल है 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब 11 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि अगर कोई क्यूबॉइड है तो उसके डायगनल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, उसके डायगनल की लेंथ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 11। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ये चीज़ आपसे बेसिकली पूछी गई, मतलब हम क्या कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब या टोटल सरफेस एरिया की भी बात कर सकते हैं। अब आपको बेसिकली देखिए क्या करना है, ठीक, हमको मेन टोटल सरफेस एरिया पे ही हम आते हैं। देखिए करेंगे क्या, अब हमने क्या किया, इसमें क्या किया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आपको क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 121 आपको मिलेगा। अब ये है आपके पास और ये है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, 2 times L into B प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही शायद आई थिंक होता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर आप देखो इक्वेशन, ये आपके पास जो स्टार है, ठीक, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल लिया। ठीक है, अब क्या करिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक, आपके पास क्या था, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 था। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, दोनों साइड स्क्वायर किया, मीन्स L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 361, ये मिला आपको। ठीक है, अब देखिए 361, अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब एल स्क्वायर सॉरी प्लस 2L into B प्लस 2B into H प्लस 2H into L इज इक्वल टू 361, बिकॉज ये फॉर्मूला था इसका, इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक, अब क्या करना है, ये अगर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 121, और आप इसे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, क्या, 121। सो 121 प्लस 2 टाइम्स यहाँ से L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 361, ये आपको बेसिकली मिल गया। अब यहाँ से देखिए, दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 into L into B प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 361 माइनस 121। ठीक है,
और अगर आप यहाँ से बेटा देखिए L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल्स टू, तो ये आपको जो पोर्शन मिला ये क्या था, ये आपको मिल गया 0, 6 में से ये आपका 4 हो गया, और बेसिकली यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपको क्या मिल गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या मिल गई आपको, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बहुत इजी था, आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आपका मिल गया आंसर। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंट। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर है उसके उसके बेस के रेडियस को आपने 20% इंक्रीज किया और उसकी हाइट को आपने 10% इंक्रीज किया, तो कह रहे हैं उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि ओरिजिनल, हमने सपोज किया कि लेट द ओरिजिनल रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी आर यूनिट एंड एच यूनिट रिस्पेक्टिवली। हमने सपोज कर लिया, क्या चीज़ सपोज कर ली, कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसका ओरिजिनल हाइट क्या है, एच है, स्मॉल एच दिस वन, और ओरिजिनल रेडियस ये है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इन्होंने रेडियस को 20% इंक्रीज किया और हाइट को भी 10% इंक्रीज किया, तो उस केस में इनसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उस केस में कि वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ होगी। अब हम आते हैं न्यू रेडियस की तरफ, किस रेडियस की तरफ, न्यू रेडियस की तरफ आते हैं। ओल्ड रेडियस थी आर, आर में ही क्या किया गया, 10% का इंक्रीमेंट किया गया। ठीक, ये किया गया आर में ही 10% का इंक्रीमेंट किया गया, तो ये आपको क्या मिल गया, आर प्लस आर इंटू 100 अपॉन 10 अपॉन 100, और बेसिकली ये कैंसिल हो गया तो हमें मिला 10 आर प्लस आर अपॉन 10, तो ये हमें मिल गया 11 आर अपॉन 10, ये हमें मिली न्यू रेडियस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की बेसिकली अगर हम सॉरी ये क्या था, 10% का इंक्रीमेंट किस में था, रेडियस में था, सॉरी हाइट में था, तो इसे हाइट कह दीजिए, आप क्या कह दीजिए इसे बेटा, हाइट कह दीजिए कि ये आपकी न्यू हाइट है, सॉरी इसे एच कर दो, ये एच है और ये आपका एच है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एच एंड दिस इज़ ऑल्सो एच प्लस एच, और ये आपका 11H अपॉन 10 हो गया, क्योंकि 10% का इंक्रीमेंट हाइट में हुआ। क्या चीज़ कही गई, ओल्ड हाइट आपके पास एच थी, न्यू हाइट क्या थी, ओल्ड हाइट से 10% एक्स्ट्रा थी, तो ये क्या था, h प्लस h इंटू 10 अपॉन 100, और इसने आपने यहाँ से एलसीएम लिया बेसिकली, तो एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ से क्या मिल गया, न्यू हाइट जो आपको मिली 11h अपॉन 10 मिल गई। अब हम आते हैं न्यू रेडियस की तरफ, न्यू रेडियस की तरफ आते हैं, तो न्यू रेडियस के केस में देखिए क्या है, ओल्ड रेडियस आपके पास r था, r प्लस r इंटू 20%। ठीक है, इस केस में अगर आप देखिए तो क्या मिला, r प्लस r इंटू 20 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 5, तो ये आपको क्या मिल गया, 6 r अपॉन 5, ये चीज़ आपको मिल गई न्यू रेडियस की तरफ। अब आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ आपसे ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो न्यू वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो न्यू वॉल्यूम की अगर बेटा हम बात करें, तो न्यू वॉल्यूम को हम न्यू फार्मूले से अप्लाई करेंगे, लेकिन फार्मूला पहले आपका ट्रेडिशनल पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, पाई के प्लेस पे आप पाई रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आर स्क्वायर के प्लेस की बात करते हैं तो 6 r अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और एच की बात करें तो आपके पास 11h अपॉन यहाँ पर क्या था, 10 था। ठीक, अब हमने बेटा क्या किया, ये आपको मिला पाई इंटू, ये मिला 36 r स्क्वायर अपॉन 25, और ये आपको मिला 11h अपॉन 10। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है, इसको इस फॉर्म में बनाना है कि ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन पाए, तो हमने पाई आर स्क्वायर एच को अलग कर लिया
और 36 × 11/25×10 को अलग किया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें बेसिकली मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच और साथ में 198/125 आफ्टर सॉल्विंग इट। इसे सॉल्व करने के बाद ये चीज़ मिलेगी, बट एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिएगा। ठीक, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंक्रीमेंट इंक्रीज वॉल्यूम हम लोग चेक करेंगे। इंक्रीज वॉल्यूम अगर हम लोग बेटा चेक करेंगे, अगर यहाँ से देखिए तो इंक्रीज वॉल्यूम के केस में अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम आपका ये था। अब पता करना है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो न्यू वॉल्यूम में से आप क्या करेंगे, ओल्ड वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ से हुआ क्या, पाई आर स्क्वायर एच 198/125 − πr²h। अब आपने यहाँ से क्या लिया, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लिया तो मिला आपको 198 − LCM लिया 125/125। ये चीज़ आपको मिल गई बेसिकली। और यहाँ से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला पाई आर स्क्वायर एच और इसे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक हमें मिलेगा 73/125। ये हमें मिला इंक्रीज वॉल्यूम, इतने क्वांटिटी में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पता करना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वॉल्यूम का। तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हमें देखो क्या मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी न्यू वाला हम लेंगे और फिर उसके बाद ओल्ड वाला। न्यू वाला क्या है, 73/125 × πr²h और ओल्ड वाला आपके पास क्या था, पाई आर स्क्वायर एच इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से बेटा हम क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया, आपको बेसिकली क्या चीज़ मिली, आपको यहाँ से मिल गया 73/125 × 100 और यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये आपको मिल गया 20, या आपको मिला 4, या आपको मिला 5 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 200 यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ से मिलेगा 292/5 और आई थिंक हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसके बाद इसकी वैल्यू मिलेगी 58.4%। तो हमें पता चल चुका है कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने रेडियस में 20% की इंक्रीमेंट और हाइट में 10% की इंक्रीमेंट की तो वॉल्यूम में 58.4% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप लोग देखिए तो क्या कह रहे हैं, अ सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप इज 14 cm लॉन्ग। ठीक, तो पहला काम हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप ड्रॉ किया। ये क्या हो गया आपका, एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप हो गया। क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी रहती है दिखने में। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप पहले लिया। ठीक, क्या चीज़ कही गई, 14 cm लॉन्ग, द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनर इनसाइड सरफेस इज 44 cm। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ हॉलो टाइप की चीज़ होगी इस टाइप से। अगर यहाँ से देखिए तो आप क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि पहली चीज़ जो यहाँ पर दी हुई है वो दिया हुआ है इसका, क्या चीज़ दी हुई है, इसकी लेंथ, लेंथ दी हुई है। तो लेंथ कितनी है, 14 cm। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस इज 44 cm, इस सरफेस के बीच की और इस सरफेस के बीच की, मतलब कर्व्ड दो सरफेस हैं इनके बीच की जो डिफरेंस इनके बीच का है वो 44 cm² है। कह रहे हैं इफ़ द पाइप इज़ मेड अप ऑफ 99 cm³ ऑफ मेटल, इसका मतलब कह रहे हैं आपको पता है कि कितना मटेरियल यूज़ होता है, कितना मेटल यूज़ होता है पाइप में या किसी भी चीज़ में, तो वो दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वॉल्यूम दे रखा है। आपको पता है, मैंने आपको हज़ार बार बताया है कि अगर हम हॉलो सिलेंडर के केस में देखते थे तो पूछा जाता था कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन पाइप और समथिंग, तो उस केस में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वॉल्यूम पूछा जाता है। और यहाँ पर ये पोर्शन दिया है, इसका मतलब ये पोर्शन आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो कह रहे हैं फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप, हमसे क्या पूछा जा रहा है, आउटर एंड इनर रेडियाई। तो पहली चीज़ जो दी हुई है वो आपके पास h है, h इज़ इक्वल टू 14 cm। ठीक है,
पूछी क्या, दूसरी चीज़ आपके पास क्या दी हुई है, दूसरी चीज़ आपको वॉल्यूम दी हुई है, व्हाट वॉल्यूम इज़ 99 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तीसरी चीज़ आपके पास जो दी हुई है उसको मैं अभी बाद में लिखती हूँ। फिर पूछा क्या जा रहा है, कैपिटल आर पूछा जा रहा है और स्मॉल आर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस इज दिस वन, इसका मतलब क्या बोला गया, इसका मतलब ये कहा गया कि जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है और जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके बीच का डिफरेंस है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया है। अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए आगे प्रोसीड करना है। तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ना भी लें तो काम चलेगा, हमने इसको 2 इंटू ले लिया, 2 पाई हमने यहाँ से बेटा कॉमन लिया और h भी कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44। दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 22 बाई 7 और h के प्लेस पे 14 गिवन है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44 हमें मिल गया। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 2 14, दिस विल इम्प्लाइज दैट कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2 मिला। ये आपका क्या चीज़ कहलाई, ये आपकी कहलाई डिफरेंस बिटवीन टू रेडियाई, आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई के बीच का डिफरेंस हमें पता चल चुका है कि 1/2 है। अब हमारे पास जो सेकंड डिटेल्स गिवन है, दैट इज़ कि जो पाइप है उस पाइप, वो पाइप कितनी कितनी जो है क्वांटिटी में बना हुआ है, वो है दैट इज़ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया है मतलब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये चीज़ आपको गिवन थी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब वी की वैल्यू क्या है, 99 गिवन है, इज इक्वल टू ये क्या था 22 बाई 7, और अगर हम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को देखें तो हम ये लिख सकते हैं और इसके प्लेस पे हम h लिख सकते हैं, h के प्लेस पे हम 14 लिख सकते हैं बिकॉज 14 गिवन है। 7 1 7, 7 4 14, ठीक है, ध्यान, 7 2 14 ये मिल गया हमें। फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको मिल गया 11 2 22, 11 9 आपको मिल गया, क्या 11 9 आपको बेटा मिल गया यहाँ से दिस वन। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, 9 इज इक्वल टू 2 2 4 टाइम्स आर प्लस आर, आर माइनस आर, आर माइनस आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में गिवन है 1/2, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, 9 इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर प्लस आर के प्लेस पे आर प्लस आर रहने दिया और आर माइनस आर के प्लेस पे 1/2 पुट कर दिया, 2 1 2, 2 2 4, दिस विल इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर इज आर प्लस आर इज इक्वल टू, हमें यहाँ से क्या मिल गया, 9/2 मिल गया, ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई और हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करने वाले हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर बेटा आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड r माइनस आर था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये भी था इसका r प्लस आर, और ये आपके पास 1/2 प्लस 9/2, ये कैंसिल हुआ और आपको क्या मिल गया, 2r इज इक्वल टू 9 + 1, 10/2, दिस विल इम्प्लाइज दैट 2r इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली कैपिटल R मीन्स आउटर रेडियाई जो आपको मिल गई वो मिल गई 5/2, ठीक है। अब बात करते हैं इनर रेडियाई की, तो सिंस R माइनस आर इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2, तो हम कह देंगे कि देयर फोर यहाँ से देखिए कैपिटल R की वैल्यू क्या थी, 5/2 माइनस R इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/2, यहाँ से 5/2 माइनस 1/2, और यहाँ से अगर आप देखिए तो r इज इक्वल टू 5 - 1 मीन्स 4/2, और यहाँ से बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमको कौन सी चीज़ मिलेगी, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2। तो आउटर रेडियाई हमें मिल गई 5/2 सेंटीमीटर और इनर रेडियाई हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी।